उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम उपलब्धि परीक्षण के विषय में बातचीत करेंगे। उपलब्धि परीक्षण का अर्थ जानते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसे हम उपलब्धि या अचीवमेंट कहते हैं, तथा इस उपलब्धि की जाँच के लिए जो परीक्षाएँ ली जाती हैं उन्हें उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों में संशोधन एवं परिवर्तन के साथ साथ हमारी मूल्यांकन एवं मापन की प्रक्रिया भी बदलती रहती है। अध्यापक अपने छात्रों की उन्नति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय समय पर उनकी परीक्षाएं लेता रहता है। इन परीक्षाओं का उद्देश्य छात्रों की सफलता का मापन करना होता है, तथा शिक्षक इस बारे में आश्वस्त होना चाहता है कि विद्यार्थी ने विषय संबंधी योग्यता पूर्ण रूप से प्राप्त कर ली है या नहीं। इस परीक्षा के प्राप्तांक विद्यार्थी की किसी एक निश्चित क्षेत्र में सफलता का ज्ञान कराते हैं। उपलब्धि परीक्षा द्वारा बालकों की योग्यता की तुलना की जाती है। इस परीक्षा में हम सापेक्षिक सफलता रिलेटिव अचीवमेंट पर बल देते हैं, न कि पूर्ण सफलता एब्सोल्यूट अचीवमेंट पर। यदि एक विद्यार्थी किसी विषय में 30 अंक प्राप्त करता है तथा दूसरा विद्यार्थी 55 अंक प्राप्त करता है, तो हम कहेंगे कि पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से योग्यता में 25 अंक कम है। यहाँ हम पास ग्रेड को महत्व नहीं देते, जैसा कि एसे टाइप टेस्ट में देते हैं। यह भी हो सकता है कि हमारी परीक्षा बहुत ही कठिन हो और कोई भी विद्यार्थी 36% पास मार्क्स भी न ला पाए, तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कह सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी योग्य नहीं है। अतः हमें करना चाहिए कि विद्यार्थियों को अंक देने के पश्चात वर्गीकरण करें तथा मध्यांक ज्ञात करें। फिर यह देखें कि विद्यार्थी के अंक मध्यांक से कितने कम हैं, अर्थात जो कम वाले अंक हैं बच्चों के वो मध्यांक से कितने कम हैं, उसकी योग्यता को सफल कहा जाए। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही नीति प्रयोग में लाई जा रही है। अब है उपलब्धि परीक्षण की परिभाषाएं। आपको कोई भी चीज़ तभी समझ में आती है अच्छे से जब आप उसकी परिभाषाओं को पढ़ते हैं। सुपर ने कहा है, एक उपलब्धि या क्षमता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि व्यक्ति ने क्या और कितना सीखा तथा वह कोई कार्य कितनी भली प्रकार कर लेता है। इंग्लिश में है, एन अचीवमेंट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज यूज टू असर्टेन व्हाट एंड हाउ मच हैज बीन लर्न्ड और हाउ वेल अ टास्क हैज बीन परफॉर्म्ड। किसी ने अगर कोई दक्षता प्राप्त कर ली है तो उसको वो अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, और अचीवमेंट टेस्ट में वो बताएगा कि इसने कितनी कुशलता से किसी कौशल को सीख लिया है। फ्रीमैन ने भी एक डेफिनेशन दी है। इनके अनुसार उपलब्धि परीक्षण क्या है? उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है, अभिकल्प माने डिज़ाइन होता है। उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विषय विशेष या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ एवं कौशल का मापन करता है। अ टेस्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इज वन डिजाइन टू मेजर नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स इन अ स्पेसिफाइड सब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स। ईबेल के शब्दों में, उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। एन अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइन टू मेजर अ स्टूडेंट्स ग्रेस्प ऑफ सम नॉलेज और हिज प्रोफिशिएंसी इन सर्टेन स्किल्स। लिंडक्विस्ट एवं मन के अनुसार, लिंडक्विस्ट एंड मन जो कह रहे हैं वो उनके अनुसार एक सामान्य निष्पत्ति, निष्पत्ति माने उपलब्धि होता है, एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में विद्यार्थी के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। अ जनरल अचीवमेंट टेस्ट इज वन डिजाइंड टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ सिंगल स्कोर अ प्यूपल्स
कलेक्टिव अचीवमेंट इन अ गिवन फील्ड ऑफ अचीवमेंट। अब है ये तो परिभाषाएं होगी, इनसे आपने उपलब्धि परीक्षणों के विषय में थोड़ा बहुत समझ लिया होगा कि उपलब्धि परीक्षण क्या होते हैं। अब है उपलब्धि परीक्षणों का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। क्या महत्व है इनका, क्यों हम उपलब्धि परीक्षण लेते हैं? पहला जो महत्व है वो है, उपलब्धि परीक्षण व्यक्ति की अमुक या किसी कार्य में निम्नतम योग्यताओं के मापन में सहायक होते हैं। मिनिमम उसकी कितनी योग्यता है उसको मापते हैं। इन परीक्षणों का प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्तियों के चयन एवं विद्यालय में छात्रों के प्रवेश हेतु किया जाता है। उपलब्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण एवं नियुक्ति करने में विस्तृत रूप में किया जाता है। ये परीक्षण वर्ग निर्धारण एवं पदोन्नति में प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पांचवा जो महत्व है, ये परीक्षण बालकों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करने में भी सहायक होते हैं। छठा है चिकित्सा एवं संदर्शन काउंसलिंग, संदर्शन माने काउंसलिंग है यहाँ पे, के क्षेत्र में उपलब्धि परीक्षणों का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है। शैक्षिक उपलब्धियों में विशेष रूप से पिछड़े हुए छात्रों की पहचान, निदान मतलब कहाँ पर वो पिछड़े हुए हैं, निदान का अर्थ है उसका पता लगाना, एवं उपचारात्मक शिक्षण की दृष्टि से ये परीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं द्वारा सीखने में सुविधा प्रदान की जाती है। छात्र को यह भली भांति ज्ञात रहता है कि उसने कितना पढ़ लिया और कितना पढ़ना शेष है। भविष्य में सीखने हेतु प्रेरणा भी मिलती है। आठवां जो महत्व है, इन परीक्षाओं की सहायता से अध्यापक की कुशलताओं एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात उसने किस ढंग से पढ़ाया। नाइन्थ है, ये परीक्षण विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावात्मकता का भी मूल्यांकन करते हैं तथा श्रेष्ठ विधि के चयन में अध्यापक की सहायता करते हैं कि कौन सी विधि श्रेष्ठ है जिससे उपलब्धि अधिक होती है। इन परीक्षणों के आधार पर विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तरों का भी तुलनात्मक अध्ययन संभव है। इन परीक्षणों का प्रयोग पाठ्य वस्तु के संशोधन में भी सहायक होता है। इन परीक्षणों से छात्रों में धैर्य, विनय, श्रम की प्रवृत्ति आदि गुणों का विकास होता है। ये परीक्षण विद्यार्थी की सर्वतोन्मुखी मानसिक योग्यता का ज्ञान कराते हैं। इसके निर्माण करने तथा संबंधित साहित्य के अध्ययन से शिक्षकों में अपनी व्यावसायिक वृत्ति का विकास होता है। अभिभावकों को रिपोर्ट देना तथा विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान करने में इन परीक्षणों का अत्यंत महत्व है। अब ये तो हो गए महत्व, उपलब्धि परीक्षणों की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। पहली विशेषता है, इन परीक्षणों का उद्देश्य पूर्व निर्धारित होता है। ये परीक्षाएं विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं। इन परीक्षणों की पाठ्य वस्तु छात्रों के स्तर, योग्यताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुकूल होती हैं। ये परीक्षण व्यावहारिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं। इन परीक्षणों का प्रशासन, अंकन, समय सीमा आदि पहले से ही निश्चित कर ली जाती है। इन परीक्षणों के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, अतः आंशिक रूप से अंक प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जैसे पूरे अंक मिलते हैं तो आधा नहीं मिलता, अगर गलत होता है तो आधा अंक नहीं मिलता, या सही होता तो आधा अंक नहीं मिलता, पूरे अंक मिलते हैं। इसका तात्पर्य है कि ये वस्तुनिष्ठ होते हैं। इन परीक्षणों में प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः अवसर या भाग्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इन परीक्षणों की विषय सामग्री व्यापक होती है, पूरे सिलेबस को रिप्रेजेंट करते हैं ये प्रश्न। ये परीक्षण विभेदकारी होते हैं, साथ ही वैध तथा विश्वसनीय भी होते हैं। विभेदकारी यानी कि छात्रों में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कौन छात्र बुद्धिमान है, कौन औसत है, कौन मंद है, धीमी गति से सीखने वाला है, और कौन तीव्र बुद्धि वाला है। ये विभेदकारी इसे कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होती है इन परीक्षणों की। वैध होते हैं, वैध का अर्थ होता है
कि जिस उद्देश्य के मापन हेतु परीक्षण को बनाया गया है उसी उद्देश्य का मापन करते हैं। अगर हमने बुद्धि परीक्षण बनाया है तो बुद्धि का ही मापन करेगा, ना कि सामंजस्य का। विश्वसनीय होते हैं, बार बार अगर उसको कुछ समय के उपरांत अगर उस परीक्षण को दोबारा प्रशासित किया जाए उसी ग्रुप पर, तो वैसा ही रिजल्ट आता है, जो वही परिणाम आता है जो पहले आया था, इसलिए इसको विश्वसनीय कहते हैं। इन परीक्षणों में प्रमापीकृत परीक्षाओं की सभी विशेषताएं विद्यमान होती हैं, जैसे अंकन कुंजी, स्कोरिंग की होती है इनमें, निर्देश पुस्तिका मैनुअल ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें सारे निर्देश लिखे होते हैं, मानक होते हैं, और ये सभी पहले से ही तैयार कर लिए जाते हैं। निर्देश, अंकन कुंजी और मानक ये पहले से ही डिसाइड कर लिए जाते हैं तथा इन्हें पुस्तिका के रूप में छपवा दिया जाता है। ये परीक्षाएं धन, समय एवं शक्ति की दृष्टि से मित व्ययी होती हैं। इन परीक्षाओं के परीक्षा फलों से अध्यापकों को ऐसी सामग्री मिल जाती है जिसके आधार पर वह समस्त शिक्षण योजना का निर्माण कर सकता है। अब उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य, बालकों की उपलब्धि में सामान्य स्तर का निर्धारण करना। दूसरा है बालकों की विभिन्न विषयों जैसे विज्ञान और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। थ्योरी और जो प्रैक्टिकल है उसकी जो रियल जो स्थिति है उसका पता लगाना। ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन करना। बालक की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। प्रचलित पाठ्यक्रम में आवश्यक परिवर्तन करना। शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना, यह पता लगाना कि किस छात्र ने कितना ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षक की कार्यकुशलता का पता लगाना। बालकों में विभिन्न कौशलों का विकास करना। बालकों को सीखने के लिए प्रोत्साहन देना, यह पता लगाना कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति से अर्थ है जो भी पुस्तक हमारे पास होती है उसमें जो भी पाठ होते हैं वो हमारे सामने शिक्षण उद्देश्य के रूप में है, वो शिक्षण पाठ या शिक्षण उद्देश्य बालक की समझ में आए अथवा नहीं आए, इसका आशय है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब अगला जो पॉइंट है, उपलब्धि परीक्षणों के प्रारूप या प्रकार, टाइप्स और फॉर्म्स ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षाएं कितने प्रकार की होती हैं, डगलस और हॉलैंड के अनुसार जो ये क्लासिफिकेशन है यहाँ पे प्रस्तुत है। उपलब्धि परीक्षाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली है मानकीकृत परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, दूसरा है अमानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षण टीचर मेड टेस्ट। अब टीचर मेड टेस्ट जो है वो भी दो प्रकार के होते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण सब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ परीक्षण ऑब्जेक्टिव। आत्मनिष्ठ परीक्षण भी फिर से तीन प्रकार का है, मौखिक परीक्षण हो सकता है, ओरल जिसे हम कहते हैं प्रयोगात्मक परीक्षण हो सकता है, प्रैक्टिकल लिखित परीक्षण हो सकता है। लिखित परीक्षण भी तीन प्रकार का होता है, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, लघु उत्तरी परीक्षण। फिर उपलब्धि परीक्षण को एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार फिर से वर्गीकृत किया है, तो इसमें इन्होंने उपलब्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा है, जैसे पहले भी बांटा था, मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण और अध्यापक निर्मित उपलब्धि परीक्षण। और इसमें अध्यापक निर्मित परीक्षण को फिर से दो भागों में बांटा है, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, निदान पता करना कि कौन सी समस्या है। सब्जेक्ट मान लो विज्ञान पढ़ रहा है तो विज्ञान में आपने जो यूनिट पढ़ाई उसको आपने टेस्ट लिया, तो वहाँ पे सपोज करें कि कहीं पर कोई चीज़ नहीं आ रही है, तो उन छात्र किन किन छात्रों को नहीं आ रही इसका निदान करना, उन्हीं उसी यूनिट से टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर उसे समझ में नहीं आ रहा, तो वहाँ से ही पता लगेगा, निदान हो सकेगा। निदान का अर्थ है कि पता लगना। उपलब्धि परीक्षण फिर से तीन किस्म के होते हैं, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तरी। वस्तुनिष्ठ फिर से दो प्रकार के होते हैं, पहले भी आपको बताया था, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। प्रत्यास्मरण
रिकॉल टाइप के जो हैं वो भी फिर से दो किस्म के होते हैं, साधारण प्रत्यास्मरण सिंपल रिकॉल, और रिक्त स्थान कंप्लीशन टाइप, अत्याभिज्ञान यानी कि रिकॉग्निशन टाइप। तो ये पांच प्रकार के होते हैं, बहुविकल्प रूप, सत्य असत्य रूप, सादृश्य रूप, एनालॉजी से हम कहते हैं वर्गीकरण क्लासिफिकेशन रूप, मिलान रूप मैचिंग टाइप, मल्टीपल चॉइस, ट्रू फॉल्स, एनालॉजी टाइप और क्लासिफिकेशन टाइप और मैचिंग टाइप। अब ऊपर जाते हैं, इसमें बढ़ते हैं पेज में ऊपर को। इसमें हमने देखा मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, इसको इस वर्गीकरण में फिर से दो भागों में बांटा गया है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण जनरल अचीवमेंट टेस्ट, दूसरा है विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण स्पेसिफिक अचीवमेंट टेस्ट। अब इस विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण को फिर से कई भागों में बांटा है, वाचन संबंधी वर्बल, ये विशिष्ट उपलब्धि परीक्षण वर्बल भी होता है, निदान संबंधी डायग्नोस्टिक फिर से आ गया है, हमें डायग्नोस करने के लिए भी होता है, दक्षता संबंधी स्किल को चेक करने के लिए स्किल टेस्ट, विज्ञान संबंधी साइंस टेस्ट, भाषा संबंधी लैंग्वेज टेस्ट, इससे रिलेटेड टेस्ट हो सकते हैं। तो ये तो था दूसरे तरह का वर्गीकरण। अब आप देखिए परीक्षण निर्माण के सामान्य सिद्धांत, इस अचीवमेंट टेस्ट के निर्माण के क्या सिद्धांत हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन। किसी भी प्रकार के परीक्षण से विषय विशेष के सभी उद्देश्यों की परीक्षा नहीं ली जा सकती, अर्थात कोई भी विषय है, विज्ञान एक विषय है, उसमें जो पाठ हैं वो सभी पाठों की परीक्षा एक साथ आप नहीं ले सकते हैं, सभी उद्देश्यों को नहीं ले सकते। दूसरा है परीक्षा का प्रारूप अत्यंत व्यापक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को आपने क्वेश्चंस के रूप में देना चाहिए, द्व्यर्थी एवं भ्रामक प्रश्नों को परीक्षा में स्थान नहीं देना चाहिए, जो भ्रम पैदा करते हैं ऐसे प्रश्न, या जो डबल मीनिंग वाले प्रश्न हैं उनको नहीं देना चाहिए। परीक्षण में प्रश्नों की संख्या पर्याप्त होनी चाहिए, प्रथम प्रशासन फर्स्ट ट्राई आउट में प्रश्नों की परीक्षा के वास्तविक प्रश्नों से लगभग दुगनी होनी चाहिए, एक्चुअल प्रशासन से पहले, वास्तविक प्रशासन से पहले जो पहला फर्स्ट ट्राई आउट होता है उसमें जो आप जितने भी प्रश्न बनाना चाहते हैं, माना आप 20 प्रश्न बनाना चाहते हैं वास्तविक परीक्षण में, तो आपको यहाँ पे 40 प्रश्न देने पड़ेंगे, दुगने होने चाहिए। ऐसे प्रश्न बनाए जाएं जिनसे छात्रों के ज्ञान की व्यवहारिक क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके, जो उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आए हैं उनका मूल्यांकन कर सके ये परीक्षण। फिर है प्रत्येक प्रश्न स्वतंत्र होना चाहिए, अपने आप में वो किसी न किसी उद्देश्य को की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, इसका अर्थ ये है। प्रश्न में प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसी स्थिति परीक्षार्थी को दुविधा में डाल सकती है। प्रश्नों की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, जो सुपाठ्य जिसे हम कहते हैं, सुबोध यानी कि जो हमें अच्छे से समझ में आ जाए, जिसका बोध हो जाए, बोध माने समझ, संक्षिप्त एवं स्पष्ट होनी चाहिए। परीक्षा का उचित नामकरण करना चाहिए, वो परीक्षा किसके लिए है, जैसे बुद्धि परीक्षण है या कोई अन्य परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण है, क्या है वो, उसका नामकरण सही होना चाहिए। परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश प्रारंभ में ही दे देने चाहिए, जो भी इंस्ट्रक्शन है शुरू में ही बता दिए जाने चाहिए। परीक्षा संबंधी विशिष्ट उदाहरण समझा दिए जाने चाहिए, उन प्रश्नों को कैसे हल करें उसके लिए एक उदाहरण दिया होता है क्वेश्चनेयर्स में, जो इस तरह के परीक्षण होते हैं अचीवमेंट टेस्ट, उसमें समझाया होता है कि इस प्रश्न इन प्रश्नों को ऐसे करना है करके, तो उदाहरण के द्वारा अन्य प्रश्नों को हल करते हैं। परीक्षार्थियों को उत्तर लिखने के लिए पर्याप्त स्थान दिया जाना चाहिए, प्रश्नों में जहाँ पे उसको टिक मार्क लगाना है तो उचित जगह दी जानी चाहिए, एक से प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर रखा जाए, एक ही जो एक पक्ष का मापन करते हैं ऐसे प्रश्नों को एक ही पृष्ठ पर रखा जाए, प्रश्नों को उचित क्रमांक पर व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जो जिसका क्रमांक है वही रखना चाहिए। परीक्षा संबंधी विवरण पुस्तिका मैनुअल सावधानी पूर्वक तैयार की जानी चाहिए, परीक्षा की विश्वसनीयता एवं वैधता को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अब अगली जो बात है वो है मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड
अचीवमेंट टेस्ट। मानकीकृत परीक्षणों का निर्माण कैसे करते हैं? सबसे पहले मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण निर्माण के जो सोपान हैं उनको हम देखते हैं। पहला जो स्टेप है परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग ऑफ द टेस्ट। तैयारी, प्रिपरेशन, टेस्ट की तैयारी। परीक्षण का अंतिम प्रारूप, फाइनल ट्रायआउट। परीक्षण का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। ये चार जो स्टेप्स हैं ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को बनाने के हैं। अब पहले को लेते हैं हम, परीक्षण की योजना बनाना, प्लानिंग को लेते हैं। तो कैसे बनाते हैं योजना? परीक्षण निर्माता का सर्वप्रथम कार्य परीक्षण योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करना है। उसका वो डिजाइन बना लेगा, उसका लेआउट बना लेगा। इस स्तर पर निम्न कार्य करने होते हैं। क्या क्या करना होता है? पहला काम वो ये करेगा, पूर्व से मौजूद परीक्षण की समीक्षा करेगा। अगर उस तरह का कोई पहला परीक्षण है तो उसको वो देखेगा, रिव्यू करेगा, उसको देखेगा कि कैसे बना रखा है। दूसरे परीक्षण सामग्री या साहित्य को पढ़ना, उसके जैसे दूसरे अन्य लिटरेचर को फिर से पढ़ेगा, देखेगा और अपना कंसेप्ट क्लियर करेगा, रीडिंग अदर टेस्ट मटेरियल और लिटरेचर। तीसरा जो स्टेप है गुणों या लक्षणों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग द ट्रेट। परीक्षण का प्रकार उपलब्धि है या निदानात्मक, कौन सा परीक्षण वो बना रहा है, उपलब्धि परीक्षण बना रहा है या निदानात्मक। उपलब्धि परीक्षण आपको पता है जो उसने पढ़ रखा है उसमें से उसका उपलब्धि कितनी हुई है ये ज्ञात करने के लिए। निदानात्मक क्या होता है? अगर उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पता लगाना निदानात्मक होता है। द काइंड ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट और डायग्नोस्टिक। पांचवा है प्रश्नों के प्रकार या पदों के प्रकार, टाइप्स ऑफ आइटम्स। कितने किस्म के प्रश्न उसमें रखे जाएंगे, पद रखे जाएंगे, पदों ऑब्लिक प्रश्नों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स। आइटम्स माने यहाँ प्रश्नों से है, आइटम का अर्थ है कि हम प्रश्न, आइटम एनालिसिस कहते हैं। जैसे प्रश्नों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसको आइटम एनालिसिस कहते हैं। तो आइटम्स यहाँ पे प्रश्नों से संबंधित है। समय, टाइम कितना लगेगा। अंकन विधि, स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होगा। उत्तर पत्रक का प्रकार कैसा होगा, कैसा आंसर शीट होगी, टाइप्स ऑफ आंसर शीट। परीक्षण तैयार करने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द टेस्ट क्या होगी, तैयारी। अब दूसरा जो इसका स्टेप है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को बनाने का, वो है तैयारी, प्रिपरेशन। क्या तैयारी करेगा परीक्षण निर्माता इसमें, परीक्षा बनाने के लिए? परीक्षण की निश्चित एवं व्यवस्थित योजना बनाने के बाद परीक्षण निर्माता सबसे पहले उद्देश्यों और विषय वस्तु के अनुसार विभिन्न पदों का अन्य स्रोतों से उपलब्ध मानकों और निर्मित परीक्षणों में से छांटकर अथवा अन्य स्रोतों से रचना कर एकत्रित करता है। वो देखता है जैसे उसने संबंध रिलेटेड लिटरेचर पढ़ा, उसने पहले से बना हुआ पूर्व परीक्षण कोई पढ़ा, या उस जिसके जिस उद्देश्य को मापने के लिए वो परीक्षण बना रहा है उससे संबंधित विषय वस्तु में से छांट करके वो प्रश्नों को छांटेगा और उनको एकत्र करेगा, पहले इकट्ठा करेगा क्या क्या प्रश्न वो दे सकता है, और वो प्रश्न उस पूरे परीक्षण का, उस विषय वस्तु का प्रतिनिधित्व कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। परीक्षण में जितने प्रकार के पदों की आवश्यकता होती है उन्हें इस प्रारंभिक रूप में ही निर्मित कर लेना चाहिए। जितने भी उद्देश्य होंगे उतने उद्देश्यों को मापने के लिए उतने ही प्रश्न चाहिए होंगे। जो भी उद्देश्य निर्धारित किए होंगे परीक्षण के लिए उन्हीं उद्देश्यों का मापन करने के लिए पदों की आवश्यकता होगी, अर्थात आइटम्स की आवश्यकता होगी, अर्थात प्रश्नों की आवश्यकता होगी। परीक्षण के पदों को एकत्रित करने तथा उनके पद रूप को निश्चित करने के पश्चात परीक्षण निर्माता पदों को विषय वस्तु, उपयुक्तता तथा गुणों की दृष्टि से अवलोकित करता है। अब उसने प्रश्न इकट्ठे कर लिए परीक्षण निर्माता ने, फिर उसके पश्चात वो परीक्षण निर्माता क्या करेगा, विषय वस्तु के हिसाब से कि वो विषय वस्तु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उपयुक्त हैं कि नहीं, सटीक प्रश्न बने हैं नहीं बने हैं, तथा उनकी गुणों की दृष्टि से उनका पुनरावलोकन करता है, जिससे कि उसका
यह प्रारंभिक रूप अधिक सुधार लिए हुए हो, यानी कि वो अच्छा परीक्षण बना सके। परीक्षण पदों को 2-3 विषय विशेषज्ञों के पास भेजकर, एक्सपर्ट के पास भी भेजा जाता है, उनके विचारों से अवगत होता है, वो उसमें सुझाव देंगे और उनके सुझावों के आधार पर फिर परीक्षण निर्माता परीक्षण में संशोधन करता है। परीक्षण के प्रारंभिक रूप में अंतिम रूप की अपेक्षाकृत दुगने पद सम्मिलित रहते हैं। पहले भी हमने बात की थी, जब ये परीक्षण बनाते हैं तो जो फाइनल टेस्ट होता है उसके मुकाबले इसमें शुरुआत में लगभग दुगने प्रश्न बनाए जाने चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उनको फिर काट छाट सके। इस सोपान के अंतर्गत परीक्षण निर्माता को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्या है? विभिन्न स्रोतों से परीक्षण पदों को एकत्रित करना, टेस्ट आइटम्स को वो संबंधित साहित्य से इकट्ठा करेगा और पूर्व परीक्षण अगर कोई है तो उसमें से इकट्ठा करेगा, और विषय वस्तु उस उद्देश्य से संबंधित अगर कोई है तो उसमें से परीक्षण पदों को इकट्ठा करेगा। पदों के विभिन्न रूपों को सम्मिलित करना, तरह तरह के प्रश्न होंगे, पद माने प्रश्न आइटम के विभिन्न रूप के हो सकते हैं, जितने भी उद्देश्य होंगे उतने रूप के होंगे, उनको सबको सम्मिलित करेगा। पदों का स्वयं तथा विशेषज्ञों की सहायता से अवलोकन, खुद भी उनको वो देखेगा कि कहीं कोई गलत तो नहीं है, और विषय विशेषज्ञों के पास भेज कर के भी उनको उसमें सुधार करवाएगा और अंत में संपादन करेगा। परीक्षार्थी एवं परीक्षण निर्माता के लिए अलग अलग निर्देश देना, परीक्षार्थी के लिए भी और जो परीक्षण निर्माता है उसके लिए भी अलग अलग निर्देश इसमें होंगे। स्कोरिंग का भी निश्चय करेगा, कैसे उसको अंकन कैसे होगा परीक्षण का। परीक्षण का अंतिम प्रारूप, फाइनल ट्रायआउट, परीक्षण की योजना एवं उसके प्रारंभिक रूप की रचना के बाद यह जानने का प्रयास होता है कि परीक्षण कितना श्रेष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय है। परीक्षण की वास्तविक रचना से पूर्व उसके प्रारंभिक रूप की जांच कर लेनी चाहिए। इस प्रारंभिक जांच को पायलट स्टडी कहते हैं। इसके निम्न उद्देश्य होते हैं, क्या होते हैं? इस जांच के द्वारा कमजोर एवं बेकार पदों को परीक्षण से निकाल दिया जाता है। तभी कह रहे थे ना दुगने प्रश्न होने चाहिए, इसमें से जो बेकार हैं वो प्रश्न फिर हटा दिए जाएंगे, जो वीक होंगे, जो अच्छे से उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते होंगे उन पदों को हटा देंगे। परीक्षण के अंतिम रूप में पदों की वास्तविक संख्या इंगित करना, परीक्षार्थी एवं परीक्षक के उत्तरों में रुचि को व्यक्त करना, विभिन्न पदों के मध्य अंतर सहसंबंध ज्ञात करना, समस्त पदों को उपभागों में व्यवस्थित करना, अंतिम रूप की वास्तविक समय सीमा ज्ञात करना, मतलब अंतिम जो टेस्ट होगा, फाइनल जो टेस्ट होगा वो कितने समय में उसको एडमिनिस्टर करने में कितना समय लग रहा है ये समय पता करना, अंकन विधि का निश्चय करना, कैसे स्कोरिंग की जाएगी। इस सोपान के अंतर्गत परीक्षण की जांच 2 भागों में की जाती है। प्रथम जांच को प्री ट्राई आउट तथा दूसरी जांच को एक्चुअल ट्राई आउट कहते हैं। प्रथम जांच में क्या करेंगे? प्रारंभिक जांच के लिए परीक्षण का प्रशासन प्रायः मूल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, हम इस परीक्षण को जिस पॉपुलेशन को देना चाह रहे हैं उसमें से, पॉपुलेशन माने जनसंख्या, जो न्यादर्श है, जो सैंपल है हमारा टोटल, उसको पॉपुलेशन कहेंगे। तो इसके जो टोटल पॉपुलेशन के 15-20 लोगों को देंगे फर्स्ट ट्राई आउट के लिए या प्री ट्राई आउट के लिए, इस उद्देश्य से करेंगे कि 20 लोगों पर इस उद्देश्य से किया जाता है कि परीक्षण की मुख्य कमियों को पाकर दूर किया जा सके। यही हमें पता चल जाएगा कि परीक्षण में क्या कमी है, इसलिए उनको उन कमियों को दूर कर सके। द्वितीय जाँच, एक्चुअल ट्राई आउट जो वास्तविक है, परीक्षण की वास्तविक जांच के अंतर्गत पद विश्लेषण, आइटम एनालिसिस को तकनीकी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पद विश्लेषण यानी कि प्रश्न का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान है, इसके बिना कोई भी परीक्षण पूरा नहीं होता। पद विश्लेषण वह प्रक्रिया है
जिसके माध्यम से परीक्षण निर्माता यह निश्चय करता है कि उसे परीक्षण के किन पदों को सम्मिलित करना है और किन पदों को छोड़ना है। इस प्रक्रिया के दो उद्देश्य हैं, क्या हैं? अंतिम परीक्षण हेतु अच्छे पदों को छांटना, टू सेलेक्ट गुड आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनल टेस्ट। दूसरा, अवैध या कम वैधता वाले पदों को हटाना, टू रिजेक्ट द इनवैलिड और लेस वैलिड आइटम्स। पद विश्लेषण में ये भी होता है, मान लीजिए कोई प्रश्न बहुत ही कठिन हो और वो किसी भी छात्र को उसका उत्तर ना आता हो तो वो प्रश्न भी हटा लिए जाते हैं। दूसरा, कोई प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर सभी को आता है तो वो भी हटा लिया जाता है, क्योंकि ये प्रश्न छात्रों में विभेद नहीं करते। परीक्षण निर्माता अपने परीक्षण में उन्हीं पदों प्रश्नों ऑब्लिक प्रश्नों को सम्मिलित करना चाहता है जो उसके उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया की कसौटी के रूप में प्रश्नों की विभेदकारी क्षमता, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, वो देखी जाती है, आइटम वैलिडिटी इंडेक्स, तथा प्रश्नों का कठिनाई स्तर, आइटम डिफिकल्टी इंडेक्स की गणना की जाती है, तथा उन्हें उन्हीं पदों का चयन किया जाता है जो इन दोनों कसौटियों में सही उतरते हैं। अगर इसमें कोई प्रश्न 100 स्टूडेंट्स में से अगर किसी प्रश्न को 100 के 100 ने हल कर दिया तो वो भी विभेदकारी नहीं माना जाएगा। अगर 100 के 100 स्टूडेंट्स ने उस प्रश्न को हल नहीं किया तो भी ये प्रश्न विभेदकारी नहीं माना जाएगा। अगर 60% स्टूडेंट ने हल कर दिया प्रश्न तो ये अच्छा प्रश्न माना जाएगा, या 80% लोगों ने हल कर दिया तो ये अच्छा प्रश्न माना जाएगा, तो इसको हम ऐड कर लेंगे, अपने परीक्षण में रख लेंगे। उपलब्धि परीक्षणों की प्रयोग विधि, प्रोसीजर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। परीक्षण के लिए विषय वस्तु, विशिष्ट उद्देश्यों, प्रश्नों की संख्या एवं उनके विभिन्न प्रकारों का निर्धारण करने के पश्चात विषय वस्तु की विभिन्न इकाइयों, विशिष्ट उद्देश्यों व प्रश्नों के प्रकारों को उनकी महत्ता एवं वांछनीयता के अनुसार भार, वेटेज दिया जाता है। एक तरह से ये ब्लूप्रिंट जैसा है, जब हम पेपर बनाते हैं, कोई परीक्षण बनाते हैं तो ब्लूप्रिंट जैसा है, पहले ब्लूप्रिंट बना लेना चाहिए, वैसे ही है। विशिष्टीकरण तालिका में विभिन्न प्रकरणों व विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की संख्या निहित रहती है। अभी जब हम विशिष्टीकरण तालिका में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ जाएंगी जो जो ये लिखी हैं। इस तालिका में बाईं ओर विशिष्ट उद्देश्यों एवं प्रकरणों को उनके उचित भारों के अनुरूप व्यवस्थित कर लेते हैं, तथा दाईं ओर प्रश्नों के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रश्नों की संख्या निर्धारित की जाती है। अंत में उद्देश्यों एवं प्रकरणों को दिए गए भारों का योग लिख दिया जाता है। प्रश्नों के विभिन्न रूपों, जैसे साधारण, प्रत्यास्मरण रूप, स्थान पूरक परीक्षाएं, एकांतर प्रत्युत्तर रूप, बहु निर्वचन रूप, मिलान परीक्षा, तर्कयुक्त चयन अथवा वर्गीकरण रूप में से मुख्यतः 3 या 4 रूपों का चयन करके वस्तुनिष्ठ, लघु उत्तर एवं दीर्घ उत्तर प्रश्नों को परीक्षण में एक निश्चित क्रम में रखा जाता है। समान प्रारूप के प्रश्नों को एक साथ रखा जाना चाहिए। परीक्षण की फलांकन प्रक्रिया, स्कोरिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए, इसका निश्चय करना परीक्षण योजना का यह महत्वपूर्ण एवं आवश्यक अंग है। परीक्षण की जो स्कोरिंग जो प्रोसीजर है, इसका पहले से ही निश्चय कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका। अंकन विधि सरल होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही उत्तर पर 1 अंक तथा गलत उत्तर पर 0 अंक प्रदान किया जाना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थी मात्र अनुमान से ही इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, जिससे फलांकन विधि अधिक प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती है। इस दृष्टि से अंकन करते समय संभावित त्रुटि, प्रोबेबल एरर को दूर करने के लिए संशोधन सूत्रों, कोरिलेशन फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहिए। अभी जिस विशिष्टीकरण तालिका की बात हो रही थी वो ये है, इसमें है विशिष्टीकरण तालिका, विज्ञान उपलब्धि परीक्षण, विज्ञान के लिए एक उपलब्धि परीक्षण का निर्माण किया है, तो वो कैसे किया है देख लीजिए, जो लिखा था वो सब यहाँ अभी समझ में आ जाएगा। स्पेसिफिकेशन टेबल, साइंस अचीवमेंट टेस्ट, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, क्रम संख्या
एक दो तीन चार जो भी है, विशिष्ट उद्देश्य, ये कॉलम हमने बना रखा है जो विशिष्ट उद्देश्य लिखे हैं। विशिष्ट उद्देश्य क्या हो सकता है? विशिष्ट उद्देश्य कोई किताब है साइंस की, साइंस का ही है ये, साइंस में जो प्रकरण है, टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स क्या क्या हैं, हीट ऊष्मा आप पढ़ते हैं, लाइट प्रकाश पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत पढ़ते हैं, मैग्नेटिक्स मैग्नेटिज्म चुंबकत्व आप पढ़ते हैं, साउंड आप पढ़ते हैं, इनर्शिया आप पढ़ते हैं, जड़त्व जिसे कहते हैं ध्वनि, ये टोटल आपके पास कितने प्रकरण हैं, 6 प्रकरण हैं। ये 6 क्या हो गए, उद्देश्य हो गए, 6 हीट लाइट इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म साउंड इनर्शिया, ये 6 टॉपिक्स पर आपने अचीवमेंट टेस्ट बनाया है। अब इनको भार दिया गया है, यानी कि कितने इसमें क्या है, विशिष्ट उद्देश्य तो आपने ये उद्देश्य के रूप में ये चैप्टर्स हैं या ये प्रकरण हैं हमारे पास। अब इसमें इन प्रकरणों को वेटेज दिया गया है कि इन पाठों में से कितना परसेंट हम पूछेंगे। हीट में से हम 15% पूछेंगे 100 में से, हमेशा 100 में से ही परसेंटेज होती है। लाइट में से 20% हम क्वेश्चन पूछेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में भी 20% क्वेश्चन पूछेंगे, मैग्नेटिज्म के हम 10% क्वेश्चन पूछेंगे, साउंड के हम 20%, इनर्शिया के हम 15%, टोटल हो गया 100%, यानी कि हमने 100% का अचीवमेंट टेस्ट बनाना है। अब अगला है ज्ञान बोध कौशल अनुप्रयोग, ये 4 जो आपने ब्लूम की टैक्सोनॉमी में ज्ञानात्मक उद्देश्य में जब आपने पढ़ा था तो ज्ञान बोध अनुप्रयोग और कौशलात्मक आपने पढ़ा था, ज्ञान बोध अनुप्रयोग और कौशल, तो इन सब में आप क्वेश्चंस पूछेंगे। अब इस ज्ञान को हम नॉलेज के से हम प्रदर्शित करते हैं, अवबोध को अंडरस्टैंडिंग यू से प्रदर्शित करते हैं, कौशल को स्किल एस से प्रदर्शित करते हैं, अनुप्रयोग को एप्लीकेशन ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये वेटेज हमने दे रखा है। तो अब हमने कहा कि ज्ञान को भी हमने यहाँ 25% ज्ञान वाले ज्ञानात्मक प्रश्न पूछेंगे हम, 25% पूरे 100% में से ज्ञानात्मक जो यहाँ वेटेज दे रखा है इसमें, इनमें से हम 25% ज्ञानात्मक में रखेंगे प्रश्न, अंडरस्टैंडिंग में 35% पूछेंगे, कौशलात्मक में हम 20%, अनुप्रयोग में भी 20%, टोटल इनका जोड़ भी आप देखेंगे 100 होगा, 100 होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रश्न पूछेंगे तो प्रत्यास्मरण किस्म हर उसके 4 है, एक ज्ञान उद्देश्य है, अवबोध उद्देश्य है, कौशल उद्देश्य है, अनुप्रयोग उद्देश्य है, चारों उद्देश्यों के हम 3 किस्म के प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पे। प्रत्यास्मरण हमने कहा था उस पेज में पिछले अभी थोड़ी देर पहले कि प्रत्यास्मरण से संबंधित प्रश्न भी होंगे, सत्य असत्य से 3-4-6 किस्म के थे वो हमने 3 चुन रखे हैं, सत्य असत्य भी होंगे, बहुविकल्प भी होंगे, MCQ जिसे हम कहते हैं, अब सब में यही है, प्रत्यास्मरण सत्य असत्य अवबोध में भी पूछेंगे, विकल्प बहुविकल्प में भी पूछेंगे, कौशलात्मक में भी यही पूछेंगे और अनुप्रयोग में भी इसी 3 प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। अब देखिए अब इनको आप ना अपने हिसाब से भी वेटेज दे सकते हैं, जैसे आपने हीट को यहाँ 15 दिया, हो सकता है आप 20 दे दें, लाइट को 15 दे दें या लाइट को भी 20 दे दें, किसी को कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक उदाहरण है, आपको एक उदाहरण के तौर पर बताया गया कि हम इतना वेटेज इन पाठों को दे रहे हैं, आप ज़्यादा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर नॉलेज बेस्ड हमने 25% ज्ञानात्मक जो पक्ष है उससे संबंधित हमने 25% पूछना है इन चैप्टर्स में से, इन टॉपिक्स में से, तो इसमें से प्रत्यास्मरण वाले 2 दे दिए, सत्य सत्य वाला 1 दे दिया हीट में से, बहुविकल्प वाला 1 दे दिया, इसी तरह से यहाँ देखिए आप अवबोध में भी हीट में से 2 प्रश्न प्रत्यास्मरण के दे दिए, अंडरस्टैंडिंग वाला अलग अलग एक्शन वर्ब होते हैं उनको आप देखेंगे, ज्ञान में तो प्रत्यास्मरण जैसे बोधात्मक जो ज्ञान के लिए जो एक्शन वर्ब है रिकॉल और रिकॉग्निशन, अवबोध के लिए जैसे एक्सप्लेन करना क्लासिफिकेशन करना इस तरह का, इसमें भी सत्य असत्य में 1, बहुविकल्प में भी 2, प्रत्यास्मरण कौशलात्मक उद्देश्य के लिए 1 नंबर का प्रत्यास्मरण, सत्य असत्य 1, बहुविकल्प में भी 1, अनुप्रयोग में ही सत्य सत्य और प्रत्यास्मरण और बहु विकल्प में दे रखा है, प्रत्यास्मरण में 1, सत्य सत्य में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, बहु विकल्प में 2। अब इन
सबका जोड़ 2 × 1 = 3 × 4 = 5 × 6 = 7 × 8 = 9 × 10 = 11 × 12 = 13 × 14 = 15 यहाँ 15 आ रहा है, तो ये लिखते जाना है आपने। इसी तरह से लाइट में से भी आपने पूछ लिया, यहाँ 20% जैसे 15% यहाँ है, तो 15 क्वेश्चन 15 नंबर का यहाँ पूछ लिया आपने, 20% है तो 20 नंबर का यहाँ पूछ लिया। अलग अलग उसमें आप अपने हिसाब से पूछ सकते हैं, 20% यहाँ तो 20 नंबर का यहाँ पूछ लिया, 10% यहाँ है तो 10% मैग्नेटिज्म से पूछ लिया, 10 नंबर का। साउंड से आपने 20 नंबर का पूछ लिया क्योंकि 20% आपने ले रखा है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का है। 15% आपने इनर्शिया से ले रखा है, तो 15 क्वेश्चन और 15 नंबर का यहाँ पूछ लिया आपने। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्यों में 3 प्रकार के प्रश्न प्रत्यास्मरण रूप, सत्य असत्य रूप व बहुविकल्प रूप में आपने लिए गए प्रकरणों में से प्रश्न पूछे, तथा इन चारों उद्देश्यों हेतु प्रश्नों की संख्या व पाठ्यक्रम की प्रतिशत मात्रा भी पहले से ही निश्चित कर ली। जैसे उदाहरण के लिए ज्ञान उद्देश्य के लिए प्रत्यास्मरण रूप के प्रश्न सभी प्रकरणों में से 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे, सत्य असत्य रूप के 7 प्रश्न 7 अंक के व बहुविकल्प के 8 प्रश्न 8 अंक के, कुल मिलाकर 25 अंकों के 25 प्रश्न पूछे, जो ज्ञान उद्देश्य के 25% पाठ्यक्रम को प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार अवबोध कौशल व अनुप्रयोग उद्देश्यों के लिए क्रमशः 35 अंक के प्रश्न 35% के पाठ्यक्रम के लिए, 20 अंक के प्रश्न 20% के लिए पूछे। अब हम प्रत्येक क्षैतिज लाइनों का और प्रत्येक खड़ी लाइनों का, ऊर्ध्व लाइनों का या वर्टिकली और हॉरिजेंटली प्रत्येक कॉलम का योग कर लेते हैं। अंत में उन योगों को भी आपस में जोड़ करके महायोग कर लेते हैं, जो कि 100 आना चाहिए, अर्थात 100% पाठ्यक्रम के लिए 100 प्रश्न हमने बनाए। तो इस तरह से आपने ये विशिष्टीकरण तालिका के हिसाब से अपने विशिष्ट उद्देश्य रखे, उनको उनके हिसाब से इतने प्रश्न पूछे और इतने प्रश्नों को यहाँ पे प्रदर्शित किया, और उनका योग भी यहाँ से भी देखा, यहाँ से भी देखा, दोनों तरफ से उनका योग 100 आया। तो हर पार्ट से प्रश्न पूछने पर अब आपने प्रश्न बनाने पड़ेंगे इसके बाद, कि जैसे आपने यहाँ पे आपने लिख दिया, ये ब्लूप्रिंट जैसा भी हो गया, क्योंकि अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा आपने हीट से कितने प्रश्न बनाने हैं, 15 प्रश्न बनाने हैं, आपने लाइट से 20 प्रश्न बनाने, इलेक्ट्रिसिटी से 20 बनाने, मैग्नेटिज्म से 10 बनाने, साउंड से 20 बनाने, इनर्शिया से 15 बनाने, टोटल 100 प्रश्न हो गए। तो टोटल 100 यहाँ से भी हो गया, 100% पूरा आपका सिलेबस टोटल, ये परसेंटेज यहाँ से भी 100 हो गया, ये क्षैतिज और खड़ी लाइनों का जोड़ 100 हो गया। ये आपका प्रश्न पत्र अब आप इसमें से बना सकते हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तरह ही निबंधात्मक प्रश्नों का अंकन भी 4 प्रकार से किया जाता है। जैसे वस्तुनिष्ठ में 4 प्रकार से कैसे किया, ज्ञानात्मक उद्देश्य किया, अवबोधात्मक उद्देश्य किया, कौशलात्मक, अनुप्रयोगात्मक। तो निबंधात्मक प्रश्नों का अंकन भी 4 प्रकार से किया जाता है, जैसे प्रतिशत अंकन, अक्षर विन्यास अंकन, शब्द वर्णन अंकन तथा बिंदु अंकन। प्रतिशत अंकन में छात्रों को प्रत्येक प्रश्न पर 100 में से अंक प्रदान किए जाते हैं। अक्षर विन्यास अंकन में छात्रों को प्रत्येक प्रश्न पर ए बी सी डी आदि अक्षर प्रदान किए जाते हैं, अंकों के बजाय ए बी सी डी दे दिया जाता है। शब्द वर्णन अंकन में छात्रों को प्रत्येक प्रश्न पर श्रेष्ठ, सामान्य, निकृष्ट आदि शब्द प्रदान किए जाते हैं। बिंदु अंकन में छात्रों को विभिन्न प्रश्नों पर 0, 1, 2, 3 आदि अंक प्रदान किए जाते हैं। इन चारों अंकन विधियों से प्राप्त अंकों को एक दूसरे में परिवर्तित भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इस तालिका से पता चलेगा। निम्न तालिका इस प्रकार के परिवर्तन को स्पष्ट करती है। जैसे प्रतिशत अंकन इस लाइन में है, अक्षर विन्यास अंकन ये है, शब्द वर्णन अंकन ये है, बिंदु अंकन ये है।
प्रतिशत अंकन मान लीजिए 100 में से देना होता है, शून्य से 20 वाले इस ग्रुप में हमने रखे, जो 100 में से जिसके शून्य से 20 तक अंक आए उनको हमने यहाँ रखा, 21 से 40 तक जिनके आए उनको यहाँ रखा, 40 से 70 तक जिनके आए यहाँ रखा, 71 से 90 जिनके आए यहाँ रखा, 90 से 100 अंक जिसके आए उनको यहाँ रखा। अब अक्षर विन्यास अंकन में ई यहाँ पर है सबसे पहले और डी सबसे कम मार्क्स वालों को ई दे रखा है, उससे ज़्यादा वालों को डी दे रखा है, तो इसी हिसाब से आप जिसको डी मिला है तो इसके बीच में होगा, वो सी इसके बीच में होगा, बी इसके बीच में होगा, ए जो है 90 से 100 के बीच में होगा। शब्द वर्णन अंकन कहाँ से शुरू होगा, यहाँ तो ई जब से सबसे कम वाले में अत्यंत निकृष्ट यहाँ पे लिख दिया हमने, फिर निकृष्ट है, फिर सामान्य है, फिर श्रेष्ठ है, फिर अत्यंत श्रेष्ठ है, 90 से 100 के बीच अत्यंत श्रेष्ठ है। बिंदु अंकन में भी सबसे कम वाले में 0 दे दिया, फिर उससे ज़्यादा वाले में 1 दे दिया, फिर उससे ज़्यादा वाले में 2, फिर 3, फिर 4, तो इस तरह से हम इनके अंकों को इनमें परिवर्तित कर सकते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। अब उपलब्धि का मापन का उल्लेख हॉब्स, लिंडक्विस्ट और मन ने इस प्रकार किया। पहला ए, हाउ टू सिलेक्ट अ सैम्पलिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट फील्ड, ब्रैकेट में स्किल्स, एबिलिटीज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्रिशिएशन एट्सेट्रा, टू कंस्टिट्यूट द बेसिस ऑफ द इंडिविजुअल टेस्ट आइटम्स। इसका अर्थ हिंदी में ये है, व्यक्तिगत परीक्षण पदों के आधार पर गठन करने के लिए उस क्षेत्र के तत्वों, कौन से तत्व हैं, कौशल, क्षमताओं या योग्यताओं, जानकारी या समझ, जानकारी, समझ, प्रशंसा आदि के नमूने का चयन कैसे करें। व्यक्तिगत परीक्षण पदों के आधार पर गठन करने के लिए उस क्षेत्र के तत्वों के नमूने का चयन कैसे करें, यानी कि कौशल, क्षमताओं, योग्यताओं, जानकारी, समझ, प्रशंसा आदि के नमूने का चयन कैसे करें, ये बताते हैं। विच टेस्टिंग टेक्निक्स और टाइप्स ऑफ टेस्ट एक्सरसाइज आर बेस्ट अडॉप्टेड टू दीज एलिमेंट्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, कौन से परीक्षण तकनीकी या परीक्षण अभ्यास के प्रकार को इन तत्वों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से अपनाया जाता है। हाउ टू फ्रेज, अरेंज एंड प्रेजेंट ईच इंडिविजुअल आइटम, वाक्यांश, व्यवस्था और प्रत्येक पदों को कैसे प्रस्तुत करें। हाउ टू असेंबल द आइटम्स इंटू अ कंप्लीट टेस्ट और सीरीज ऑफ टेस्ट, परीक्षणों की श्रृंखला के लिए पूर्ण परीक्षण में पदों को कैसे जोड़ा जाए या कैसे इकट्ठा किया जाए। फिर है हाउ टू एडमिनिस्टर द टेस्ट, परीक्षा का प्रबंधन या प्रशासन या संचालन कैसे करें। हाउ टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट, हाउ टू स्कोर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, परीक्षण के निष्पत्ति या निष्पादन का मूल्यांकन कैसे करें, अंकन और परिणामों की व्याख्या कैसे करें। हाउ टू इवेलुएट द टेस्ट इट्सेल्फ, हाउ टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, परीक्षण का मूल्यांकन कैसे करें तथा इसकी वैधता और विश्वसनीयता कैसे निर्धारित करें। इसके अतिरिक्त परीक्षण से संबंधित विभिन्न व्यवहारिक पक्षों, जैसे परीक्षण की संभावित समयावधि, कितना समय लगेगा, मुद्रण, व्यय एवं प्रशासन के संबंध में भी विचार करके निर्णय कर लेना चाहिए। परीक्षण निर्माण का जो चौथा स्टेप था वो है परीक्षण का मूल्यांकन, इवेल्युएशन। परीक्षण का मूल्यांकन दो बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है कि ये परीक्षण अच्छा बना है या खराब बना है, मूल्यांकन का गुण दोष बताते हैं। मूल्यांकन हमेशा गुण दोषों को बताते हैं, कमी और अच्छाइयों को बताते हैं। तो कौन सी दो बातें हैं, पहली बात तो यह है परीक्षा कितनी वैध है, विश्वसनीय है, विभेदकारी है,
वैलिड है, रिलायबल है और डिस्क्रिमिनेटिंग है एवं वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव है। अर्थात परीक्षण में आदर्श मापन यंत्र की विशेषताएं किस सीमा तक उपस्थित हैं, परीक्षा देने वालों के उत्तरों का स्वरूप कैसा है, अर्थात विद्यालयों में विषय का शिक्षण किस प्रकार चल रहा है, उत्तम प्रकार के परीक्षण ही यह सूचना विश्वस्त रूप से दे सकते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि, समांतर प्रारूप विधि तथा कूडर रिचर्डसन फॉर्मूला, इनमें से किसी भी एक विधि का प्रयोग करके ज्ञात की जा सकती है विश्वसनीयता। साधारणतः 0.80 या उससे अधिक विश्वसनीयता वाला परीक्षण अच्छा परीक्षण माना जाता है। वैधता ज्ञात करने के लिए बाह्य वैधता, विषय वस्तु वैधता, विशेषज्ञ वैधता, कारक वैधता, पूर्व कथन वैधता आदि विधियों में से किसी एक विधि से ज्ञात की जा सकती है 0.60 या उससे अधिक वैधता वाला परीक्षण अच्छा माना जाता है। मानकों की दृष्टि से आयु मानक, ग्रेड मानक, शतांशीय मानक तथा टी मानक आदि स्थापित किए जाते हैं। सबसे अंत में परीक्षण निर्देशिका तैयार की जाती है। इसमें परीक्षण से संबंधित समस्त जानकारी विस्तार से दी जाती है। परीक्षण निर्देशिका में परीक्षण का उद्देश्य, विश्वसनीयता, वैधता व मानक आदि का वर्णन प्रस्तुत रहता है। उपलब्धि परीक्षणों की सीमाएं या लिमिटेशंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, ये लास्ट है। बीएड में आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना होगा, आप थोड़ा थोड़ा पॉइंट बना करके लिख सकते हैं, पूरा अचीवमेंट टेस्ट आपने नहीं दिखाना है। अगर आपको पूछा ही जाएगा तब उसके, वैसे भी आपको आना चाहिए क्योंकि ब्लूप्रिंट अगर आपको आ जाए तो आप प्रश्न पत्र अच्छे से बना सकते हैं। ये परीक्षाएं स्थानीय प्रयोग की दृष्टि से अनुपयुक्त होती हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की बात कर रहा है। इन परीक्षाओं में प्रायः समरूप परीक्षाओं, पैरेलल फॉर्म ऑफ टेस्ट का अभाव रहता है। जो शुरू में हमने कहा था कि परीक्षण निर्माण के लिए हमें पूर्व से बने हुए परीक्षणों को देख लेना चाहिए, तो अगर होगा ही नहीं तो कहाँ से देखेंगे। उपलब्धि परीक्षाएं विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले केवल कुछ ही विषयों के लिए प्राप्य हैं, अन्य विषयों में बनाए भी नहीं जा सकते हैं। इन परीक्षाओं का निर्माण, मूल्यांकन एवं व्याख्या कार्य कठिन है, साथ ही इन परीक्षणों के निर्माण में समय एवं शक्ति भी अधिक व्यय होती है। इन परीक्षाओं के निर्माण, प्रमापीकरण, छपाई, कुंजी, निर्देश पुस्तिका आदि तैयार करने में बहुत समय व्यय होता है। तो इसी के साथ ही उपलब्धि परीक्षण के विषय में एक विस्तृत जानकारी आपके समक्ष दी गई। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।